जन्म है, ब्राह्मण बच्चे बनने के बाद हम जो है सतयुग में जाएंगे, तो क्या ये हमारा 84वीं जन्म है? और हम सतयुग में जाएंगे, यदि सतयुग में नहीं जाएंगे तो फिर भटकते रहेंगे, तो ब्राह्मण परिवार में आने से क्या मिलेगा? अभी माता जी ने बहुत अच्छे माता जी उछा रहे टीचर आपके दीदी ने आपको बनाया है। अच्छा दीदी ने आपको ज्ञान दिया है, दीदी इतनी होशियार है। देखो आपके बच्चे सब स्टूडेंट है, शुरू में आपके सेंटर में अब आती नहीं, तो अभी आती नहीं है, यहाँ पे रहती है हम, किदवई नगर के, तो उधर जाओ, मैं भी तो जाती है, रोज पीसी सर के बाबा के सब घर है, जहाँ सहज है वहाँ जाओ, 7 साल से गुड, छोड़ना नहीं कभी भी। आज बाबा ने कहा बाबा से रूट के मुरली मिस नहीं करना, हाँ किसी के टीचर से रूटना नहीं, अपना भाग्य बिगाड़ना नहीं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, देखो बाबा ने आपको समय दिया, बच्चे इसी जन्म को आप 84 जन्म कर सकते हो, इसी जन्म में किया हुआ पूरा पाप मिटा, अगर मिटाया नहीं आपने तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा शरीर लेना पड़ेगा, मिटाने के अंदर जा नहीं सकते हो, तो इसी शरीर में आप 84 फुल स्टॉप लगा सकते हो, पूरा योग अग्नि तन मन धन सेवा से अपने पाप मिटाकर आप सीधा शरीर छोड़ा, सीधा सूक्ष्म गए, रंगाम गए, सीधा सत्य। अगर आपने पाप मिटाया ने थोड़ा ले गया तो ब्राह्मण परिवार में क्या मिलेगा, लेकिन उस परिवार में जन्म में आएगी तो 2-5 साल में चला जाएगा, कुछ पढ़ाई नहीं, फिर थोड़ा सुना जाएंगे ज्ञान थोड़ा सुना, तो ब्राह्मण परिवार में आई ज्ञान सुना, तो फिर अगर उधर भी योग नहीं किया फिर रह गया, फिर दूसरा शरीर छोड़ के और लेना पड़ेगा, ये शरीर लेना न लेना आपके हाथ में है, 84 जन्म बनाना या और जन्म लेना आपके हाथ में, पाप को मिटाने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तो पाप मिट गया कलेश खत्म, आप चले जा सकते, मिटाने नहीं दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तब बाबा कहता है बच्चे 20 लाखों का जोर लगा फिर भी नहीं हुआ, तो बाबा देखता है बच्चे सिंसियर है, एक दिन में मिस नहीं करती, लगन है रोज करके, बाबा अंत में मदद करता है ना, अगर बच्चों की लगन देखता है, समझदारी देखता है, देख करके बच्चे अगर फेल भी होने जा पता चलता है बाबा देखता है, तो बच्चे अच्छे हैं तो बाबा अंत में मदद कर, हिम्मत है बच्चे, मदद भगवान की मिलती है।